नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। जैसे कि हम आपको बता दें कि बॉडी क्लास का रिजल्ट है सीबीएसई का, वह आ चुका है। काफ़ी टाइम से जो अड़चने चल रही थी कि जो सब्जेक्ट जो बच्चों के रह गए थे उसके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, इस जो शंका थी वे बच्चों के मन में भी बहुत थी। पर सीबीएसई का एक शिक्षा मंत्री द्वारा यह बोला गया कि बच्चों को जो प्री बोर्ड हुए हैं उसके बयान पे बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। और जैसे कि हम आपको बता दें कि जो अचीवमेंट होती है, अचीवमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मेक अ सक्सेस, कि हमें एक कुछ अचीवमेंट करने के लिए उसके लिए हमें सक्सेस भी करनी पड़ती है, हार्ड वर्किंग भी बहुत करना पड़ता है। इस समय हम बता दें कि हम ग्रीनवे स्कूल में हैं, जहाँ पे दो बच्चों के 98% आए हैं और वह भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। हम भी उनसे बातचीत करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है, उन्होंने कितनी मेहनत करी है, वे आगे चल के क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि हम बता दें कि आप अभी हमारे साथ वह बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने जिनके 98% मार्क्स स्कोर किए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या गोल्स हैं, वे आगे लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, किस मुकाम से कितना उन्होंने हार्डवर्क किया है इसको लेकर। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? नंदिनी मित्तल। आप कौन से स्ट्रीम से थे? मैं PCB। तो आप पे बायो थी, तो आप आगे लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी मदर मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है और हर चीज़ के लिए मुझे एनकरेज करती हैं हमेशा। तो आपको कितना सहयोग मिला है अपने पेरेंट्स का और स्कूल का? स्कूल से और मम्मा से, दोनों से ही पूरा 100% सपोर्ट मिला है। हमेशा पुश किया है बेटरमेंट के लिए और यू नो सक्सेसफुल लाइफ के लिए, और ताकि हम हमेशा अच्छा कर सकें, बेस्ट दे सकें अपना। तो आप दिन में कितने घंटे स्टडी को देते थे, कितने घंटे आपने टाइम टेबल बना रखा था आपने? 14-15 आज तो डेली होता था, पर यह है कि मैं अपना एक पर्टिकुलर टाइम टेबल ऐसे सेट करती थी कि मुझे एक दिन में इतना करना है। अब वो चाहे कितने भी टाइम में हो जाए, अगर उसके लिए पूरा दिन करना पड़े तो पूरा दिन और 10 आवर्स करना पड़े तो 10 आवर्स, लेकिन एक दिन का एक दिन में पूरा। हम जैसे कि अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक टाइम देते हैं, शेड्यूल देते हैं, जो हमें अच्छी चीज़ लगती है वो हम करते हैं, तो आप क्या करते थे? एक्चुअली मेरा एक और पैशन है, मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, तो जब भी मेरे को माइंड को रिलैक्स करना होता है या तो मैं खुद डांसिंग करती हूँ या मैं डांस शोज देखती हूँ टीवी पर बस, क्योंकि और कोई सोशल साइट मैं नहीं यूज़ करती। मैं DID भी गई थी क्योंकि डांसिंग मेरा पैशन है, DID में भी सिलेक्ट हुई थी। तो जैसे कि हम बता दें, इनकी माता जी भी हमारे साथ हैं, आपके जो बेटी के 98% आए हैं, तो आपको कैसा महसूस? ऑब्वियसली खुशी तो होगी ही, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये मेरे जीवन की मतलब तपस्या ही है कि बस सफलता करती जाए, यही इच्छा है बस। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि वे आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा भी उन्होंने कहीं ना कहीं से पाई होगी, वह आपका नाम है। क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन मेरा फिजिक्स बहुत वीक है मैं इस वजह से बन नहीं पाई। तो इसने देखा होगा तो शायद इसको लगा होगा कि मैं मम्मी का सपना पूरा करती हूँ। मोस्टली बायो के स्टूडेंट्स साथ होता था, मेरे पास भी साइंस थी तो मेरे को फिजिक्स में डामाडोल ही लगता था। तो आपने फिजिक्स को कैसे हैंडल किया, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टक कर जाते हैं। एक्चुअली मेरे फिजिक्स के टीचर जो हैं अखिलेश सर, वो बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और आई थिंक ही इज़ द बेस्ट, बिकॉज अगर मैं फिजिक्स कर पा रही हूँ, मेरे पास मैथ्स नहीं है और मैथ्स के बिना फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी जितनी फिजिक्स में कर पा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। आप बता सकते हैं कि आपने मैथ्स और सॉरी बायो में और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने कितने स्कोर किए? मैंने फिजिक्स में 95 स्कोर किया है, बायो और केमिस्ट्री दोनों में 100। जैसे कि हमारे सर एक स्टूडेंट और हैं, आप कौन सी स्ट्रीम से थे? PCMB, बोथ मैथ एंड बायो। तो आप पे मैथ और बायो होता तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने पड़ता होगा कि दोनों को देखने? हार्ड वर्क तो रिक्वायर था, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और ऑप्शनल हम किसी को भी नहीं ले सकते थे दोनों में से। तो आपका टाइमिंग शेड्यूल क्या रहता था? टाइम शेड्यूल ये रहता था कि अर्ली इन द मॉर्निंग बायोलॉजी, एंड आफ्टर दैट ट्यूशन थे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के, एंड आफ्टर दैट रिविजन। आप इन फ्यूचर आपका आगे की राह क्या होगी, आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जैसे कि होता है कि डॉक्टर के लिए हमें कोचिंग क्लासेस लेनी पड़ती है, आप सेल्फ स्टडी करेंगे या कोचिंग क्लासेस को से करेंगे? एक्चुअली इस टाइम तो कोरोना की वजह से कोई भी कोचिंग क्लास नहीं हो रही है, जो भी हो रही है ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस तो आई एम टेकिंग, बट फर्स्ट सेल्फ स्टडी का ज़्यादा प्रेफरेंस है, बिकॉज नीट इज़ ऑल अबाउट हाउ मच यू स्टडी, दैट्स वाई। तो आप कितना टाइम आप स्टडी को दे देते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स। तो अगर माइंड को रिलैक्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो कैसे आप करते थे? रिलैक्स के लिए मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था, मेडिटेशन सॉन्ग्स एंड समटाइम्स भजन, कृष्ण भजन। तो ये होता था कि आप पे तो दोनों स्ट्रीम थी, तो आप तो कहीं पे भी स्टक नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास मैथ्स भी थी और आप पे बायो भी थी, तो फिजिक्स में तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती नहीं होगी, तो आप कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि दोनों को आपको तो टाइम शेड्यूल आपका ज़्यादा ही लगता होगा? हाँ, दोनों में टाइम शेड्यूल लगता था, दोनों में हार्ड वर्क भी लगता था, पर वो मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि फिजिक्स की वजह से ही मैंने मैथ्स ली थी, बिकॉज फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स यूज़ होते हैं मैथ्स के, एंड फिजिक्स एक तरह से मैथ्स के ऊपर ही बेस्ड है।
तो आपको स्कूल का और पेरेंट्स का कितना सहयोग मिला? 100% सपोर्ट फ्रॉम स्कूल एंड पेरेंट्स। जैसे कि बता दें अभी इनकी माताजी भी हमारे साथ हैं, मैम आपके बेटे ने 98% स्कोर अचीव किया, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बेटे ने 98% करा। इससे पहले मेरे पिछले साल बेटी ने भी टॉप करा था, 98.4 थे। इसके पापा का ज़्यादा सपोर्ट रहा है इनके फ्यूचर को देख कर, तो उसमें मुझे मतलब बहुत खुशी मिलती है। तो जैसे कि इनका जो बचपन से एक बच्चे का एम होता है कि कहते हैं कि बचपन से ही बच्चे को पता लग जाता है कि कौन सी लाइन में जाना, कि आपको बचपन से पता लग गया था कि इनको डॉक्टर में जाना है? नहीं नहीं, बचपन में कोई नहीं है, 11th में जाकर इसका थोड़ा मुझे लगा कि ये डॉक्टर लाइन में जाना चाहता है 10th के बाद, उससे पहले कोई इसका वो नहीं था, आर्मी भी इसको पसंद थी वैसे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एग्ज़ाम जब आने वाले होते हैं तो बच्चे काफ़ी माइंडली भी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि काफ़ी टेंशन में रहते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होंगे कैसे होंगे, पर आप इनको कैसे मोटिवेट करती थी? नहीं नहीं, कोई वैसा टेंशन नहीं थी एग्ज़ाम के समय भी, ये अच्छे से पढ़ता था, अच्छे से मतलब अपना शेड्यूल बना रखा था कि इस टाइम तक ये पढ़ना, इस टाइम तक ये पढ़ना। इसके पापा मतलब उतना ही सपोर्ट इसे पूरा देते थे, इसके साथ बराबर जगते थे जब तक ये पढ़ता था। जैसे कि कहा जाता है कि अगर हमें सफलता को प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी बहुत साथ होता है, तो आप देख सकते हैं कि बच्चों में भी खुशी अलग दिखाई दे रही है, सबके एक गोल्स हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, सब एक गोल सेटअप करके लाइफ में सक्सेस अचीव करते हैं, पर सक्सेस के लिए हमें हार्डवर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं पर उन उतार चढ़ाव से हमको डरना नहीं है, अपने गोल्स को एक एम बना के चलना है और सक्सेस को अचीव करना है। और हम आपसे जल्दी मिलते रहेंगे एक नई खबरों के साथ।